अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मैंने पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं उसका नाम है बोवाइन कोलोस्ट्रम स्वीट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बोवाइन कोलोस्ट्रम होता क्या है। ये पंजाबी ज़बान में इसको कहा जाता है गाय की बोली, यानी कि जिस दिन गाय का बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो पहले दिन का दूध होता है उसको बोली बोलते हैं या कीली बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो हम वो मिठाई बनाने जा रहे हैं इसके लिए सबसे पहले तो यही चाहिए होगा हमें, जो इसकी है कीली, ये बोली गाय की, फिर बादाम कटे हुए, इलायची और एक प्याली चीनी की। ये चार डिज़ाइन जिससे हम इसकी मिठाई बनाएंगे। चलें तो अब हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब इसमें हमने जो है वो एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें जो वो दूध है उसको डाल देना है। दूध वही है जो गाय का है। अब इसको जो है हम उबालेंगे जब तक इसमें जो है दाने से बनने शुरू ना हो जाएं, तब तक इसको हम उबालते जाएंगे। ये दूध हमने रख दिया है, इसको उबलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये देखें इसमें उबाल आता जा रहा है और उसके अंदर वो जो दाने दाने से वो फुटकियाँ से वो बनना शुरू हो गई हैं। अब इसको आपने जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चलाना है ताकि ये लग ना जाए नीचे। साथ साथ इसको चलाते रहें। अब जी ये देखें इसके अंदर वो पुटकियाँ से बनना शुरू हो गई हैं दाने दाने से। साथ साथ हम इसको चलाते जा रहे हैं। ये देखें ये बनना शुरू हो गई हैं। साथ साथ चलाना भी इसको लाजमी। ये देखें ये काफ़ी हद तक जो है ना वो उसमें बन चुका है, दाने दाने से बन चुके हैं। ये देखें जब इसमें से पानी अलग हो जाएगा तो फिर हम इसको छान लेंगे और छान के जो है हम इसको निकालेंगे इसके अंदर से। अब ये तकरीबन जो है ना वो उबाल आ चुका है इसमें। अब इसको जो है ना हम इसका छान के इसका पानी निकाल लेंगे और बाकी का जो नीचे ये हमारा बन चुका है दानेदार सा मवाद इसको जो है ना हमने अब निकाल लेना है। अब इसको हम छानेंगे। ये देखें ये छानने के बाद कुछ इस किस्म की शक्ल निकल आई है। अच्छा, जो पानी हमने इसमें छान के लादा किया था अब जो है वो हमने कढ़ाई ले ली ना उसमें 2 कप हमने ये वही पानी दोबारा से डाल देना है। ये 2 कप पानी इसमें हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने चीनी डालनी है। अब इसका जो हमने शीरा बनाना है अब इसके अंदर हमने इलायची भी डाल लेनी है। इसको साथ साथ चलाते भी रहना है।
जब तक इसका शीरा तैयार नहीं हो जाता। साथ साथ इसको हिलाते रहें। इसको मुसलसल हिलाते जाना है। ये शीरा तकरीबन तैयार हो चुका है हमारा। अब ये हमारा शीरा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच जो वो घी के डालेंगे। हम जो है वो देसी घी डाल रहे हैं इसके अंदर, ताकि इसके जो इसका जायका है वो अच्छा है। अब इसके अंदर से जो हमने दूध के अंदर से जो हमने निकाला था दानेदार, वो अब इसके अंदर हमने डाल देना है। अच्छा ये अब इसका जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होगा इसको हम पकाते जाएंगे। इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया। अब ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब इसके अंदर जो हम बादाम ऐड करेंगे। अब ये जो हमारी मिठाई है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको निकाल के जो है ना हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसको हम टुकड़ों में काट लेंगे। अब इसकी मिठाई को हम निकालते हैं।